जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। संगीन पे धर कर माता सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। नमस्कार, यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी, कहानियां जिनमें हम लिखते हैं खुद को। लेकिन मैं छाया वर्मा आज आपके लिए लिख कर लाई हूं देश के वीर सैनिकों को, अपने जांबाजों को। कहानी का शीर्षक है प्यारा सा खत। तो आइए सुनते हैं कहानी। एक सैनिक ने अपनी नव विवाहिता को खत लिखा। पूनम को सैनिक का बेशुमार प्यार। कैसी हो पूनम, मैंने तुम्हें 3 खत लिखे, तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। मेरी याद नहीं आती क्या? अपनों से इतनी दूर, अपनों के खत ही से तो सुकून मिलता है हम सैनिकों को। इस बार लिखोगी ना एक प्यारा सा खत अपने सैनिक को? मैं इंतजार करूंगा बेसब्री से। और उसने खत पोस्ट कर दिया। फागुन का महीना शुरू हो गया था, मौसम में मस्ती से छाने लगी थी, पर धूप अभी भी अच्छी लगती थी। इस बार ठंड कुछ अधिक ही पड़ी थी। एक दिन लंच के बाद दोनों सैनिक धूप में बैठ गए, हमेशा की तरह एक छोटे से टीले पर पीठ टिका कर। ये उनकी पसंदीदा जगह थी। दोनों एक ही गांव के थे, बचपन के साथी। एक के हाथ में एक लिफाफा था। बड़े प्यार से उसने लिफाफा खोला, खत निकाला, पढ़ा और जोर से हंसते हुए खत दोस्त की ओर बढ़ा दिया। जरा पढ़ मेरी बीबी का पहला खत। कोई बात नहीं यार, दोस्त है तू मेरा, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, हंसे बिना नहीं रहेगा। दोस्त ने खत ले लिया, पढ़ा और फिर दोनों हंस पड़े एक साथ। लिखा था, सतीश कैसे लिखूं, मुझे नहीं आता शौहर को खत लिखना। बस यही था पूरा खत। उसी रात सैनिक ने खत का जवाब दिया, नहीं आता, कोई बात नहीं, सीख जाओगी। अच्छा, मैं होली में आ रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करना। अब इंतज़ार करना तो आता है ना? आज महाशिवरात्रि है, मेरी ओर से तुम्हें बहुत सारी शुभकामनाएं, और मेरी शुभकामनाएं पापा और मम्मी तक पहुँचा देना। दूसरे दिन खबर मिली कि कुछ अनचाहे मेहमानों ने सीमा पर अचानक ही दस्तक दे दी है। अब मेहमान नवाजी में हमारे जवान कब पीछे हटने वाले थे? चल पड़ी टुकड़ी सीमा की ओर, खूब खिला पिलाकर मेहमानों को विदा करके ही वापस लौटी। आज सैनिक
गांव जाने को तैयार खड़ा था। हाथ में एक लिफाफा था जो अभी अभी मिला था। सोचा खत खोलूं या नहीं। घड़ी देखी, अभी वक्त था उसके पास। खोल लिया लिफाफा, खत पर सरसरी निगाह डाली। लिखा था, देश के सैनिक को पूनम का बेशुमार प्यार। होली में आ रहे हो ना, मैं इंतज़ार कर रही हूँ बहुत सारे रंगों के साथ। एक मुस्कान उभरी सैनिक के होठों पर, फिर लुप्त हो गई। आगे खत पढ़ा, मालूम है मम्मी जी ने तुम्हारे लिए गुजिया बनाई है मावे वाली, और एक खुशखबरी भी है, एक नन्हा सैनिक आने वाला है। सैनिक फिर मुस्काया, एक फीकी मुस्कान। पास रखे सामान पर प्यार भरी एक नजर डाली, खत वापस लिफाफे में डालकर सम्मान के साथ रख दिया शहीद की वर्दी में। फिर तो बलवीर की आंखों ने जो बरसना शुरू किया तो थमने का नाम नहीं लिया। वैन आ चुकी थी पर टीले से चिपका रहा बलवीर, सिसकता रहा, हिचकिया लेता रहा। ये कहानी बस यहीं तक। अगर कहानी ने आपका दिल छुआ है तो आप लाइक करिए, कमेंट भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। ये फलक का चैनल है किस्सा कहानी। मैं छाया वर्मा आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और वादा करती हूँ फिर मिलने का एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।